जय भीम जय भारत। तुसी देख रहे हो अंबेडकर मिशन न्यूज चैनल हिम्मत सद खान दी। मैं थोड़ा अपना डिंपल गंगड़ थोड़ा सारे का स्वागत करता। दोस्तों अज मैं श्री खुरालगढ़ साहिब विखे पहुंचा जिथे नक कन्न और अखां दे माहर डॉक्टर द्वारा एक विशेष जांच कैंप लगाया जा रहा है। आओ आपां अंदर चल के डॉक्टर साहिबान और इत्थों दे प्रधान पासों पूरी खबर बारे जानकारी प्राप्त करते हैं। खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतह। लाभ की गल करन तो पहला लाहे की गल कर तो पहला सुगात जी बख्शिश की उस तो करन तो पहला मैं सरबत दे भले दे मुखी जो सरदार माणयोग एस पी सिंह बराए जी हैं उन्हों का पहला कोटन कोट धन्यवाद करांगा जिन्होंने साढ़े नीम पहाड़ी के इलाके उत्ते जिथे सेहत सहूलत ना दे बराबर है इतने बहुत बड़ी जी सहूलत बख्शी है जिथे खून के जाँच जिहड़ा केंद्र खोलिया गया जिहदे विच 10 रुपये 20 रुपये की सी जी 10 रुपए का बडाल टैसट जिहनूं टाइफाइड कहिंदे आ म्यादी बुखार शुगर 10 रुपए की। सो ये जिहड़ी सुगात है ना मात्र फीस लैके ये खून के जाँच जिहड़े कीते जांदे पहले तो अकाल पुरख वल्लों उन्हां नूं जिहड़ी बख्शिश हुई है उहदे लई उन्हां नूं वधाइयां और साडे वल्लों धन्नवाद कि अवराए साहब ने साडे लई सुगात बख्शिश कीती। जो आप जी ने पुछिया कि जिस फायदा किन्ना कहदा सो फायदा इहदा यह है कि साढ़े वीत इलाके 30 पिंड पैंदे ने इत्थे लोग हैंड टू माउथ ने किरती ने थल्लों कमा लैंदे ने पहाड़ी के उत्ते बैठ के खा लेंदे ने इत्थे लोगों के कोई वसीले कमाई के बहुते नहीं हैं दिहाड़ी दप्पा जां माड़ियां मोटियां प्राइवेट नौकरियां सेहत सेवावां नूं लैके बड़ी दिक्कत है इत्थे दिन रात इत्थे एक खदशा बने रहिंदा है जे कोई बीमार हो गया जां किसी दी कोई स्कैन कराउणी जां किसी दे खून दी जांच कराउणी फिर दूर दराडे गढ़शंकर जाना पैंदा बस का भी किराया हुण तां रब सुख करे कि बहुत हो गया मोटरसाइकिल लैके जाओगे 2-2.5 दा तेल फूक के दिहाड़ी फुटदी है फिर उत्थे खून दे के भुखे पेट जाना पैंदा कई टेस्ट भुखे पेट करवाने पैंदे ने सवेरे भुखे पाने बिना पानी पीते निकल जाते तो शामां नूं वापस आते हैं। पहले तो यही जिहड़ा यही पहला मेहनत है यदा कोई लेखा जोखा रखना मुश्किल है। फिर गल आ गई जेब की जेब विच्चों इन्ने महंगे भाव के टैसट करवाने जिहड़ा टैसट इत्थे 20 रुपए हुंदा वह 250-300-400 रुपए हो रहा और दूजी गल जी टैसट करन दी तकनीक है वह विदेशी मशीन लाइया गई जिन्हां दे नाल टैसटां दी जिहड़ी रिपोर्ट है वह PGI वर्ग इंस्टीट्यूट भी उन्होंने अक्सैप्ट करन और अक्सैप्ट हो भी रहे हैं ये साढ़े लिए खुशी की गल है। सो ये बड़ी इत्थे संगतां नूं सौख है कि जाँच कराण सवेरे 8 to 5 ये लैबोरेटरी काम करती है और मैं समझदा ये वरदान है इस सुगात है। खालसा जी जो गल करिए वीरवार दिन की जी लैबोरेटरी खुली हुई है उस दिन तो जिहड़ा पिंड वासियों का या इलाका निवासियों का रुझान की है उस दिन का रुझान जी इन्ना रुझान है पहले दिन 66 मरीजों के सैंपल लाए गए सन जिन्हां विच्चों 15 पेशेंटां नूं हंबल रिक्वेस्ट करके कहा गया सी वी कल आ जाओ भाई। सो साडे कोल रोज़ 25-30 पेशेंट जिहड़े सैंपल इत्थे टैसट असीं लै लैंदे आ सो साडे कोल सरप्लस बहुत ने 40 पेशेंट साडे कोल सरप्लस चल रहे ने जिन्हां नूं हले असीं इह कहा कि तुसीं 2-4 दिन रुक जाओ जां कल आ जाओ क्योंकि लैबोरेटरी बेशक हाईटैक है उस च कम करन वाला मुलाजम हले इक है। सो एक कुड़ी उहदे विच टैक्नीशियन है जिहड़ी BSc बैचलर डिग्री उहने कीती होई है और पूरी परपक्क है अपने काम च सो काम ते तां दिन रात उह लगी होई है 8 घंटे जिहड़ा काम चलदा है सवेरे 8 बजे तों लै के 5 बजे तक तां दे ही ना काम करदी पर क्योंकि टैसटां नूं टाइम लगदा कुछ प्रोसैस ने जिन्हां नूं टाइम लैंदे ने सो इस करके जिहड़े है लैब दे विच हले 25-30 टैसट होणे ही यह ठीक है उस तो बाद फिर मुश्किल आती है रुझान बहुत वधिया है संगत इतने लाइन सवेरे ला लें आके सो गुरु महाराज कृपा कर। हाँ जी सहूलत बहुत बड़ी है ये बहुत बड़ी सहूलत है क्योंकि घट रेट के इतने टैसट हो रहे हैं प्राइवेटा इन्नी हाई रेट्स है जिथे कि है कोई गरीब परिवार तो इन्ना अफोर्ड नहीं कर सकता इतने है बिल्कुल बिल्कुल पूरे लो कोस्ट से टैसट है मतलब जिदा 420 पूरा ही फुल बॉडी पैकेज का टैसट हो रहा है क्योंकि बेस्ट बेनीफिट है। अच्छा जिते लोगों की जेबा की लुट सुट हो रही है मेडिकल माफिया के क्योंकि दवाइया रेट भी बहुत ज्यादा टैसटा भी बहुत ज्यादा तुम भी यूथ जो टच हो तो की मैसेज देना चाहते हो कि सू जो किस पास वाल ज्यादा ध्यान देना चाहिए यूथ नू मेरा तो यही मैसेज है उन्होंने कि
अपना बेनीफिट वेखना चाहिए है। पहली गल तो पहले जिद असी मोटर बाइक की भी अपनी सर्विस रैगूलर करवाने गड्डिया सानू प्यार हों पहली गल सू अपनी बॉडी ना भी उन्ना ही प्यार होना चाहिए। फिटनेस भी साढ़े लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सानू अपना वेखना चाहिए। रैगूलर टैसट जिदा करवाने चाहिए, कोई 6 महीने बाद करवा लेने चाहिए है, साल के 6 महीने बाद तो सू रैगूलर चैकअप अपना करवाना चाहिए। अगर किसी प्रॉब्लम नहीं भी है, कोई डिसीज़ किसी नहीं भी है, फिर भी वो सू अपनी बॉडी के चैकअप करवाने चाहिए है। क्या नहीं सू पता लगता है कि बॉडी फंक्शन कर रही है प्रॉपर या नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਆਦੀ ਲੈਗ ਖੁੱਲੀ ਹੈ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੁਝ 20 ਰੁਪਏ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਲੈਬ ਖੁੱਲੀ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह है। सर आज जेड़ा कैंप लगाया जा रहा है, हां जी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दो कि तुसी किस चीज दे डॉक्टर हो? मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल बलाचौर च एज ए पोस्टेड है, ते एज ए स्किन स्पेशलिस्ट चमड़ी दे रोगों का माहिर डॉक्टर है। ते अज इत्थे खुरागढ़ साहब की धरती ते सानू एक वधिया मौका मिलिया आण दा ते लोकां दी सेवा करन दा। ते इत्थे बहुत सारे पेशेंट आए चमड़ी दे ते उहनां दा वख-वख जिदा फंगल अगजीमा वगैरह उन्होंने ट्रीट किया गया। मेन जो इतने देखने ये आया गया है कि जेडे मतलब चमड़ी दमारियां है ना, वो लोग जोड़े है मिसगाइडड ज़्यादा होंगे है, आप घर ट्यूबा वगैरह लगा के जा कुछ होर डॉक्टर दिखा के वो पूरा मतलब अपनी स्किन खराब करके फिर ही आते हैं। वो फिर जो स्किन खराब हो जाती उन्होंने मुड़ के ठीक करना बहुत ही महंगा इलाज भी है तो टाइम भी बहुत लगता है। इसलिए मैं तो यही बेनती करांगा कि पब्लिक नूं जे तुसी प्राइवेट नहीं जा सकते चमड़ी वाले को सरकारी जाओ। मेरी एक दिन ड्यूटी राहों हुंदी है मंगलवार, वीरवार बंगा हुंदी है, बाकी दिन बलाचौर हुंदी है। मतलब तुसी जे चमड़ी की प्रॉब्लम तो चमड़ी वाले डॉक्टर नूं ही मिलो ता कि थोड़ा इलाज वधिया एन स्टीक ते शॉर्ट हो सके। तुहानूं जिहड़ी दवाई है 5 दिन की जगह 5 महीने खाने की लोड़ ना पवे, बस यही मेरा मैसेज है जी। थैंक यू। ठीक है जी, मेरा नाम डॉक्टर बलविंदर सिंह, मैं ENT सर्जन हैगा। मैं पहला सिविल अस्पताल गढ़शंकर जॉब करता सी, उत्थों मैं रिटायरमेंट होकर राजा साहब दे हॉस्पिटल एज ए मेडिकल स्टूडेंट हैगा। मैनू अज इतों सदा गया सी परमात्मा वालों, तो मैं इतने सेवा करन वास्ते आया। मैं इतने कुछ लैण वास्ते नहीं आया, इतने सिर्फ आशीर्वाद लैण वास्ते आया, तो मैं कोई अपने मकसद वास्ते नहीं आया भी मैं इतों कुछ लैके जावां, पैसे लैके जावां, कुछ लोगों नूं लुट के लैके जावां, मरीजां नूं लैके जावां, ना। मैं सिर्फ एक सेवा भावना वास्ते इत्थे आया। मैं राजा साहब दे उत्थों सेवादार भेजा होया। मैं डॉक्टर हाँ, मेरे नाल एक ऑडियोलॉजिस्ट आया है, असी नक्क कन्न गले दे इलाज करते हैं। जे साढ़े को इलाज ना भी हो असी उहदी उह मदद करते हैं भी जे किते इहनूं नूं होर किसी इंस्टीट्यूशन 'च भजाउणा ते उत्थे भी उहदे पैसे ना लगन। असी इत्थे मेन मकसद वास्ते इह है भी जिहड़े बोलदे नहीं उन्हां नूं बुलाउणा, जिहड़े सुणदे नहीं उन्हां दे मशीनां लाउणियां कन्नां नूं, उन्हां दे मशीनां ला के असी जे 1000 रुपए की मशीन आ ते उहदे विचों 40% असीं लैस करके 60% दे पैसों के उत्ते असीं उन्हां नूं मशीनां दिंदे हां तां कि लोकां नूं बेनीफिट हो जाए। कोई इहदे विच लॉस प्रॉफिट नहीं, सीधी मशीन लॉन्च करदे हां जिथों बनदियां ते उह कंट्रोल रेट दे उत्ते असीं मशीनां दिंदे हां। ते इह साडा मेन मकसद हैगा, जिहड़े बच्चे मैंटली रिटार्डड आ उन्हां नूं भी साढ़े स्पीच थैरेपिस्ट आ वो ठीक करते आ, जिहड़े तोतले बोलते आ, जिहड़े ऑपरेशन तो बाद जिन्हां दी आवाज़ चले जाती आ, जां जिहड़े बंदिआं दे गले दे ऑपरेशन हुंदे वड्डे वड्डे ते कैंसर दे इलाज तो बाद बंदा बोल नहीं सकदा, असीं उन्हां नूं बुलाउंदे आ। वो साढ़े कोल ऑडियोलॉजिस्ट हैगे आ, डॉक्टर साहब आए आ, असीं राजा साहब दे उत्थे काम करदे आ और फ्री कॉस्ट ते करदे आ। जे कोई 500 रुपया लैंदे आ ते उत्थे 100 रुपया लिया जांदा जां 200 रुपया लिया जांदा। जे मशीन कोई 20,000 दी बेचदा आ असीं 15,000 तो ला के 10,000 दे विच विच उहनूं दिंदे आ।
ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।